हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ट्यूबर में। आज की वीडियो आपकी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से रिलेटेड होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं एंड इसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। तो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो होता है वो आपका लिवर ऑर्गन से रिलेटेड है, मतलब जो आपका लिवर होता है उसमें इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस वायरस का, हेपेटाइटिस बी वायरस का। तो ये अगर इन्फेक्शन आपके लिवर में होता है तो 95% केसेस में आपको इसके सिम्टम्स नहीं मिलते, मतलब आप खुद पता ही नहीं कर पाएंगे कि आपको इन्फेक्शन हुआ है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए वैक्सीन आती है। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो आप पहले से इसकी वैक्सीन ले सकते हैं, तो आप इसके इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। एंड इसका अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आप इसका ट्रीटमेंट लें ताकि आप अपने अपने आप को उस बीमारी से कंट्रोल में रख सकें। एंड जो ये करता क्या है, जो वायरस अगर आपके लिवर को डैमेज करता है, जब आपको इन्फेक्शन होता है तो ये आपके लिवर को धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट करता है और एक टाइम पर आपको लिवर डैमेज कम्प्लीटली हो जाता है एंड आपको कभी कभी लिवर कैंसर भी बन जाता है। सो इस तरीके से ये वायरस स्प्रेड होता है हमारी बॉडी में। एंड इसके फैलने के क्या क्या वजह होती हैं, इसके फैलने की वजह आपकी बाइसेक्सुअल हो सकता है एंड आपका पेरिनेटल या पेरेंटल, आपकी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने से एचआईवी एंड हेपेटाइटिस बी का भी इन्फेक्शन होता है। सो अगर आप एंड आपका निडल शेयरिंग होता है, सेकेंडली जब निडल शेयरिंग मतलब एक निडल से दूसरे पेशेंट को भी अगर हम ट्रीट करते हैं तो उससे निडल शेयरिंग के थ्रू भी इस वायरस को फैलने में हेल्प मिलती है और ये वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पहुंच जाता है। एंड जो मदर होती है वो बच्चों की डिलीवरी के टाइम पर भी मदर से बेबी में या बेबी से मदर में हो सकता है। सो ये वायरस इस तरीके से फैलता है। इसके तो इसके लिए अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इसको सस्पेक्ट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए कुछ रैपिड कार्ड टेस्ट भी होते हैं और कुछ इसके क्वांटिटेटिव टेस्ट भी होते हैं। सो अगर आप उस टेस्ट को टाइम पर करा लेंगे, और वायरल मार्कर का जो टेस्ट होता है बहुत ज़रूरी होता है, आपको टाइम टू टाइम इन टेस्ट को करा लेना चाहिए ताकि आपको अपनी बॉडी के बारे में पता रहे। थैंक यू सो मच।